हिंदी आओ मनाए उत्सव अपनी भाषा का अपने सपनों का। एक मोर था, बड़ा ही घमंडी था। वो अपनी सुंदरता का बखान करता रहता था। वो कहता, जरा मेरी पूंछ तो देखो कितना मनमोहक रंग है। वास्तव में मैं दुनिया के सभी पक्षियों से अधिक सुंदर हूँ। वो नदी के किनारे जाता, अपनी परछाई देखता, तारीफ करता। एक दिन नदी के किनारे उसको एक सारस दिखाई दिया। सारस को देखते ही उसने अपना मुंह फेर लिया। सारस का अपमान करते उसने कहा, तुम बेरंगीन पक्षी हो, तुम्हारे पंख सादे और फीके हैं। सारस ने कहा, सचमुच तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं। मेरे पंख तुम्हारे पंख से जितने सुंदर नहीं है। पर इससे क्या हुआ, तुम तो अपने पंख से ऊंची उड़ाई नहीं बढ़ सकते, बल्कि मैं तो आकाश को छू सकता हूँ। इतना ही कहकर सारस आकाश में बहुत दूर चला गया और मोर शर्मिंदगी से देखता ही देखता रह गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुंदरता की अपेक्षा उपयोगिता अधिक महत्वपूर्ण है।